Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Reza and welcome again for our next lecture for the next poem, which is the seventh poem, Times. Kindly zara apni mera beta books khol lijiye. Pehle to iske key points main aapke samne discuss karunga mera beta. Aur uske saath ek aham tareen cheez maine aapko clear karni hai ke jaun si poem bhi aap padh rahe hain usko main explain kar raha hu. उसके स्टांजाज को आपने जो बुक मैंने रेफ़र की हुई है वहाँ से आपने उसको तैयार करना है. मैं यहाँ पे आपको उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता देता हूँ, उसके यूजेज बता देता हूँ, उस वर्ड का कॉनोटेटिवली मैं उसको आपके सामने डिफ़ाइन करता हूँ बेटा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. फिर उसके बाद मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं. अगर तो टेक्स्ट के हैं वो तो लाजमी हैं, कोई भी एक्स्ट्राज हैं वो भी मैं आपको साथ ही बता देता होता हूँ. तो आइए मेरा बेटा इस पोइम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्या, टाइम्स, वक्त. ये किसी पोइट की लिखी हुई नहीं है, ये ली गई है मेरा बेटा एक्लीसियस्ट्स में से. प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, एक्लीसियस्ट्स. आपने अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा एस पे रोक के फिर उसको टी पे फिर एस को आपने लेकर आना है, एक्लीसियस्ट्स. ठीक है, रेफरेंस इसका इस तरह लिखा जाएगा. बहुत सारे बच्चे इसके रेफरेंस लिखने में गलती कर देते हैं. देखिएगा ज़रा, इसका रेफरेंस पहले मैंने आपको समझाना है, हवाला मतन इसका कैसे लिखा जाता है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम्स, टेकन फ्रॉम एक्लीसियस्ट्स. यानी ये असल में इंजील की एक किताब है, किताब मुकद्दस, उसमें से इसको लिया गया है जो ईसाइयों की मुकद्दस किताब है. की पॉइंट्स हैं मेरा बेटा इसके, ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये इसका मेन थीम, मेन वर्क पूरी पोएम का जो है वो टाइम, टाइम को डिफाइन किया होगा कि कायनात में हर चीज के लिए पैदा होने से लेकर मरते वक्त तक एक वक्त है, और हर सीजन का एक वक्त है, हर चीज के पैदा होने का वक्त है, मरने का वक्त है, हर चीज के उगने का वक्त है, उसको काट लेने का वक्त है. ये सारी बात ही इस पॉइंट में मेरा बेटा की गई है. इसलिए दूसरा की पॉइंट भी मैंने उसी तरह का लिखा है, फॉर एवरी वर्क देयर इज अ टाइम अंडर द हेवन. कायनात के इस नीचे, इस पूरी कायनात में, कायनात की इस छत के नीचे हर काम के लिए, हर चीज को परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ टाइम, एक वक्त है. वो वक्त क्या है, वो वक्त मेरा बेटा इस पोएम में बड़ी खूबसूरती से डिफाइन हुआ है. आइए जरा उसको रीड करते हैं. मेन थीम इसका मैंने आपको बताया टाइम, टाइम है. आइए जरा बुक को खोलिएगा, इसको रीड करते हैं मेरा बेटा. टाइम्स, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन. सीजन मौसम को कहते हैं. हर चीज के लिए एक मौसम है, एक वक्त है. एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, अंडरलाइन कीजिए इस बात को. और कायनात में हर मकसद के लिए भी क्या है, एक वक्त है. अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त है. एंड अ टाइम टू डाई, मर जाने का भी क्या है, एक वक्त है. अ टाइम टू प्लांट, बो देने का, उगाने का कोई एक वक्त है. एंड अ टाइम, और एक वक्त है टू प्लक अप, प्लांट कर ले उसको, उसको हार्वेस्ट कर लेने का, उसको उखाड़ लेने का, उसकी कटाई कर लेने का. अप दैट विच इज प्लांटेड, जो चीज प्लांटेड की गई है, जो चीज को बोया गया है. अ टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ देने का एक वक्त है. एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और बिल्ड अप करने का, बनाने का, सवारने का, क्रिएट करने का भी क्या है, एक वक्त है. अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त है. एंड अ टाइम टू डांस, डांस करने का, रक्स करने का भी क्या है, एक वक्त है. ब्याह, शादी ब्याह पे आप गए हैं, वहां पे आप रोएंगे, टाइम नहीं है रोने का. और अगर आप किसी फौतगी पर गए हुए हैं, डेथ पर गए हुए हैं, हंसने का वक्त नहीं है ऑब्वियसली.
वो मौका, वो महल जिसके ऊपर इंसान चलता है, सब कुछ एक वक्त की सिमत में है, फ्लो में है मेरा बेटा। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, कास्ट अवे रद्द कर देना, परे फेंक देना किसी चीज को, किस पत्थरों को फेंक देने का, रद्द कर देने का भी क्या है, एक वक्त है। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, पत्थरों को जमा कर लेने का भी क्या है, एक वक्त है। मैंने कहा ना आपको ये सारी पोइम जो है वो टाइम के बारे में है, वक्त के बारे में है। वक्त बहुत जालिम है कहा जाता है बेटा। वक्त जो है वो इंसान को कभी बादशाह बना देता है तो कभी फकीर बना देता है, और कभी बहुत तनावर जो दरख्त होते हैं उनको उखाड़ फेंकता है, और कभी बहुत छोटे छोटे पौधों को, फूलों को एक तनावर दरख्त बना के खड़ा कर देता है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले लगाने का किसी चीज को क्या है, एक वक्त है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन, मना कर देने का फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, गले लगाने से भी उसके लिए क्या है, एक वक्त है। अ टाइम टू गेट, किसी चीज को हासिल करने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू लूज, और किसी चीज को खो देने का भी क्या है, एक वक्त है। मैंने कहा ना कि पूरी कायनात एक वक्त के सिमत में चल रही है। अगर आप कुरान करीम की तरफ जाएं, वो भी आपको इस चीज़ का रेफरेंस देता है कि हमने हर चीज़ को एक ख़ास वक्त में, अपने अपने वक्त में चलाया हुआ है, और वो सारे चल रहे हैं। ये रेफरेंस चूंकि दोनों इस आसमानी किताबें हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। अ टाइम टू कीप, जमा करने का, हासिल करने का भी एक वक्त है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और दूर फेंक देने का भी क्या है, एक वक्त है। अ टाइम टू रेंड, किसी चीज को फाड़ देने का, तबाह कर देने का भी क्या है, एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्यू, और उस चीज को सीने का, उस चीज को, फटी हुई चीज को स्यू देने का भी क्या है, एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोशी रखने का भी क्या है, या खामोश रहने का भी क्या है, एक वक्त है। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी क्या है बेटा, एक वक्त है। इसी बुक पे रहिएगा, इसका थीम देखें, साथ ही थीम दिया गया है मेरा बेटा। इट इज ट्रू दैट एवरीथिंग हैपेंस एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, देयर इज टाइम व्हेन विंटर सेट्स इन एंड अ टाइम व्हेन विंटर इज गॉन एंड अदर सीजन सेट्स इन, शुरू हो जाता है। नोबडी इज बॉर्न बिफोर टाइम नॉर डाइज बिफोर टाइम, there is a time to sow seeds and a time when their fruits are ripe to be plucked. The poet says that nothing in this world happens out of place, everything in is scheduled according to a specific time, ek khas waqt ke liye wo usko cheez ko Allah pak ne rakha hua. Uske baad exercise pe aiyega mera beta saath hi poem ke. A time to born, to be born, and a time to die. A time to break down and a time to break down के बाद देखें क्या है जी, build up. A time to laugh and a time to weep. A time to get and a time to lose. A time to keep silence and a time to speak. इसके मेरा बेटा short questions की तरफ आइएगा, ये हमारे short questions हैं। Stanza आपने तैयार करना है इसका, हर एक stanza जो है उसमें तकरीबन overall पूरी theme में, पूरी poem में theme एक ही है, वही वर्ड्स होंगे गिने चुने जो वापस आपके आते रहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इज द मेन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप अपनी हेल्पिंग बुक से तैयार कर सकते हैं, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम थीम भी आप कर सकते हैं, इसके हर स्टांजा में थीम भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सारी पोएम जो है वो टाइम के बारे में है। लेकिन वो एक एक बात, एक एक लाइन में आपको वो बात करनी है, उसमें लिखनी है जिसका उस पर्टिकुलर स्टांजा में रेफरेंस दिया गया होगा, जिक्र किया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राज में से करना है आपने। व्हाट इज एक्लीसियस्ट्स, एक्लीसियस्ट्स क्या है? इट इज अ बुक ऑफ द बाइबल नोन एज एक्लीसियस्ट्स, इट इज एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, इट कंसिस्ट्स लार्जली वन रिफ्लेक्शंस ऑन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इसका मेरा बेटा आंसर है। थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया, ये थीम आप कर सकते हैं मेरा बेटा, इसी पोएम के ऊपर, इसी पेज पे लिखा हुआ थीम है। करीबन हर पोएम का थीम उसी टेक्स्ट बुक की पेज पे लिखा हुआ है, आप वो वाला थीम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद इसके बारे में अगर रहनुमाई हासिल करनी हो, इंट्रोडक्शन टू पोएम्स पे जाइएगा, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस
जो हैं खास क्वेश्चंस वो एक ही मायना देते हैं सारे, वो मैंने आपके साथ लिखे हुए हैं मेरा बेटा, वो आपने करने हैं. द पोएट सेज दैट देयर इज अ सूटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग, देयर इज अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू हार्वेस्ट. द पोएम टीचेस दैट वी शुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई गॉड एंड नॉट बाई मैन. इंसान की तरफ से नहीं है, गॉड की तरफ से है. बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, ये इस पोएम की मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने की, डिफाइन किया, इसको आपने प्रिपेयर करना है. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.